जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए ढोलक की वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो ये चार गिनती में ढोलक की वीडियो है। तो देखो हम चार गिनती में कैसे बजाते हैं, ये वाली ढोलक आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, पहले हम थापी की तरफ आपको दिखाएंगे। तो देखो ये हमारा थापी का हिस्सा है, ये देखो चौड़ा हिस्सा होता है, यहाँ हम थापी बजाते हैं और इसकी भारी आवाज होती है। तो समझे आप इधर थापी बजाएंगे, तो आपका जो सा भी आप थापी की तरफ चले आप उससे थापी बजाना। तो देखो मेरा ये बायां हाथ थापी पर चलता है तो मैं इससे थापी बजाती हूँ। तो देखो हम आज थापी कैसे बताने जा रहे हैं। तो हम पहले हम एक थापी मारेंगे और बाद में हम दो थापी जल्दी जल्दी मारेंगे, क्योंकि ये उससे विपरीत है। पहले हम दो थापी जल्दी जल्दी मारते थे, बाद में हम एक मारते थे, तो ये उल्टी है। पहले हम एक मारेंगे और बाद में हम दो जल्दी जल्दी मारेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को गौर करके देखें आप। तो देखो हम कैसे मारेंगे, एक शुरू में हम एक मारेंगे और बाद में दो मारेंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। पहले जो हम मारते थे तीन थापी की ढोलक, तो पहले हम दो मारते थे इस तरीके से। देखो पहले हम दो जल्दी मारते थे, बाद में एक। देखो एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज मैं पहले एक मार रही हूँ और बाद में दो मार रही हूँ। तो देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तीन खुले बेस एक बंद बेस, यानी तीन थापी एक गुम्बद, तीन थापी एक गुम्बद, तीन खुले बेस एक बंद बेस, हम किसी भी तरह से बोल सकते हैं। तो देखो तीन थापी एक दो तीन चार, देखो तीन खुले बेस एक बंद बेस ऐसे। कोई भी बहनों कोई भी एक वीडियो आप पकड़ लो, कोई भी वीडियो सीख लो आप, दो थापी की तीन थापी की किसी तरह की, अगर आप एक वीडियो सीख जाते हैं ना ढोलक की और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है उस पर, फिर तो आप हर तरह की ढोलक बजाने लगोगे। आपको हर किसी ढोलक पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी देखो पहले हम ढोलक सीख गए थे, हर तरह की ढोलक खुद ही खुद सीखे हैं हम। और जो थापी थपाक वगैरह जो भी जितनी बनाते हैं बजाते हैं हम, तो वो हम खुद ही अपने आप ही बजा लेते हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं होती। बस एक बार कोई हमारे सामने बजाता है बजाती है यानी, तो हम उसको देख लेते हैं और फिर हम उसको बजा लेते हैं, हमारे दिमाग में वो बस जाता है फिर हम उसको बजा लेते हैं। तो देखो हमने आपको थापी बता दी, अब हम चाटी बताते हैं। तो देखो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। देखो जब हम बंद बेस मारते हैं गुम्मक, उसके साथ हम ये उंगली मारते हैं, है? और तीनों उंगली में हम चार चौथी गिनती बोलते हैं, हम बंद बेस में नहीं बोलते। तो देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। कितनी सरल चंटी लेकर आई हूँ, कितनी सरल चाटी है, आपसे बहुत ही जल्दी आएंगी, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ढोलक के साथ हमें मैच भी नहीं करनी, सिर्फ हम बंद बेस के साथ ये उंगली मारते हैं और लास्ट में हम इसको मारते हैं, इसके साथ हमें थापी कोई बजानी नहीं होती। बहुत ही सरल वीडियो है, अगर आप इसकी कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बहुत जल्दी आएगी। तो देखो कैसे बजाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ये चौथी गिनती बहनों हमें गुम्मक पर ही माननी है, इन पर हमारी मैच नहीं खा रही है चौथी गिनती। तो पहले मैंने इन पर बोला था, जैसे हमारी मैच खाती है उसी तरह से हम गिनती बोलते हैं, तो इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, क्योंकि मैंने इस पर चौथी गिनती बताई थी लेकिन हमारी इस उंगली के साथ जो गुम्मक आएगी उस पर हमें चौथी गिनती गिननी है। देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन
मैंने आपको थापी अलग से दिखाई है, सामने से चाटी भी दिखाई है, तो मैं फिर से आपको मैच करके दिखाती हूँ। तो दोनों कैसी बज रही है, तीन गिनती जो आती है वो हमें बहुत जल्दी गिननी है, एक आराम से गिननी है। देखो एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। इस तरीके से हमारी ये वीडियो आएगी, बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आती हूँ मैं, बहुत ही सरल वीडियो लेकर आती हूँ। आप जरूर सीखें ढोलक, और आपसे कितनी आई मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलो आगे हम आपको सामने से दिखाते हैं, दोनों हाथ आपको सामने से अच्छे से दिखेंगे। तो देखो हम पहले एक थापी मारेंगे, एक दो तीन, दो तीन ये गिनती हमें जल्दी बोलनी है और जल्दी हमें थापी लगानी है। तो देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार ये इनमें गिनती नहीं बोलनी हमें, तीन जो मारते हैं तीन उंगली चाटी में, इस पर गिनती नहीं है। तो देखो हमें गिनती किस पे गिननी है, चौथी बंद में और ये उंगली चार, ऐसे चार 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 ऐसे मारनी। तो देखो फिर से बोलते हैं, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। इस तरीके से हमारी ये वीडियो आएगी। तो देखो फिर से हम मिलान करते हैं, फिर हम आपको गाने पर बजाकर दिखाएंगे। वीडियो आएगी। तो देखो हम गाना गाते हैं, आज मैं तुलसा जी का गाना गा रही हूँ। तो देखो कैसे मिलाते हैं हम तुलसा जी के गाने पर, बहुत ही प्यारा गाना है तुलसा जी का, विवाह का गाना है तुलसा विवाह का। तुलसा बानी दूल्हे हम, आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना आपसे ये कितनी आई, और आपके क्या समझ में नहीं आ रही, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।